subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, संविधान के प्रमुख स्रोत का मतलब ये है कि कुछ स्रोत या सोर्सेज हमारे भारतीय संविधान में अन्य देशों से लेकर जोड़ लिए गए हैं। अमूमन आपके किताब में मिलता है कि हमारे देश के संविधान में 9 देशों से सोर्सेज जो है लेकर जोड़े गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली। आपको पता है संसदीय शासन प्रणाली का मतलब भारत का एक संसद होगा अनुच्छेद 79 के तहत, और उस संसद में 3 भाग होगा, एक राष्ट्रपति होगा, एक राज्यसभा होगा और एक लोकसभा होगा। आपको पता है कि राष्ट्रपति जो होता है पूरे संसद का औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान की बात किया जाए तो वास्तविक प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। और आपको पता है कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात की गई है। राज्यसभा को आपको पता है कि भाई राज्यसभा को हम उच्च सदन या अमीरों का सदन, और लोकसभा को हम निम्न सदन यानी गरीबों का सदन कहते हैं। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए, और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद हमने बताया था कि इसमें अधिकतम सीट जो है 250 होती है, और इसमें अधिकतम सीट जो है 552 होती है, और दोनों में वर्तमान समय जो है 245 इसमें है और 545 इसमें है। और हमने बताया था कि इसमें 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि इसमें 2 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, मनोनय बंद कर दिया गया है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले कितना किया जाता था, तो आप इसमें बताएंगे 12, इसमें 2 बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो 12 और 2 कुल 14 लोगों को संसद में नियुक्त किया मनोनीत किया जाता है, इसको संविधान संशोधन 104 के तहत बंद कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा है विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण का मतलब आप जानते ही हैं, विधि निर्माण का मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया। और कानून निर्माण भी कहाँ से होता है, संसद से होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली जहाँ से लिया जाएगा वहीं से विधि निर्माण की प्रक्रिया भी लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा का बहुमत से ही कोई कानून का निर्माण होता है। हालांकि राज्यसभा का ज़्यादा रोल नहीं होता है, ज़्यादा रोल लोकसभा का होता है, और बाद में अंतिम में राष्ट्रपति जो है इस पर सिग्नेचर कर देता है तो तुरंत यह कानून बन जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली यानी संसद में ही कानून का निर्माण होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली जहाँ से लिया गया है वहीं से विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ली गई है। और तीसरा है इकहरी नागरिकता। हमने आपको बताया था कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में बात किया गया है इकहरी नागरिकता का। इकहरी नागरिकता का मतलब भी हमने आपको बताया था कि जैसे अमेरिका में 50 राज्य अगर है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए एक नया कागज न्यू पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, जबकि भारत में अगर 28 राज्य है तो किसी राज्य से किसी राज्य में आपको जाना है तो कोई नया कागज़ नहीं बनवाना होता, इसीलिए एक कागज़ पे आप चल सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भारत में एकहरी नागरिकता है, जबकि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। तो संसदीय शासन प्रणाली हो, विधि निर्माण की प्रक्रिया हो, एकहरी नागरिकता हो, ये तीनों के तीनों ब्रिटेन से लिए गए हैं। यानी ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया और एकहरी नागरिकता को शामिल किया गया है। अगला है दोस्तों गणतंत्रात्मक सिद्धांत। हमने आपको बताया था कि गणतंत्र या गणराज्य का मतलब होता है कि हमारे देश में आनुवांशिक शासन व्यवस्था नहीं है, जो योग्य होगा वही शासन करेगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। तो गणतंत्रात्मक सिद्धांत को फ्रांस से लिया गया है। दूसरा, अब गणतंत्र का मतलब है कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श का सिद्धांत भी कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। अब देखिए, गणतंत्र का मतलब हम स्वतंत्र हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, जनता स्वतंत्र है, जनता किसको चुनेगी पूरी तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन आनुवांशिक शासन नहीं रहेगी। तो गणतंत्र से ही आप याद करेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा या सिद्धांत जो प्रस्तावना में दिया गया है यह फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला है संघीय शासन व्यवस्था। देखिए यहाँ पर संसदीय नहीं लिखा है, संघीय लिखा है, और कभी कभी संघात्मक लिख देता है। ठीक, तो यहाँ पे कुल मिला जुला के आप जान रहे हैं संघ लिखा है, और संघ का मतलब होता है केंद्र व राज्य। तो यहाँ पे देखिए संघ
संघात्मक व्यवस्था कई जगह है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, लेकिन हमारे देश में जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया, क्योंकि अमेरिका वाले में केंद्र और राज्य की बराबर शक्तियाँ होती हैं, जबकि कनाडा वाले में केंद्र की शक्ति ज़्यादा और राज्य की शक्ति क्या होती है, कम होती है। तो संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था जो है केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन वाला कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद जो है ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और जो विधेयक पारित किया जाता है, कानून पारित किया जाता है विधानसभा में या कोई कानून लाया जाता है, उस प्रक्रिया को भी कनाडा से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं मूल अधिकार। तो हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है, और आपको पता है कि वर्तमान समय में तो 6 मूल अधिकार था, पहले 7 था। एक संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा के 300 का में जोड़ दिया गया है, और 300 का में जोड़ के इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो मूल अधिकार है आपका अनुच्छेद 14 से 18 हो गया, समानता का अधिकार 19 से 22 हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार 23 और 24 हो गया, शोषण के विरुद्ध समानता का अधिकार, उसके बाद 25 से 28 हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 हो गया अल्पसंख्यकों के शिक्षा के बारे में अधिकार, अल्पसंख्यकों के संस्कृति के बारे में अधिकार, सभ्यता के बारे में हो गया, फिर अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके मूल अधिकार हैं वर्तमान समय में, जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। तो आपको पता है कि मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद अगला जो है, उसके बाद दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि यह भी अमेरिका से लिया गया है, और न्यायालयों की शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन जो है न्यायालय की शक्ति है, जैसे कार्यपालिका जो होती है लोकसभा और राज्यसभा होती है, तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक जाँच। जैसे मान लीजिए आप भाई लोकसभा राज्यसभा कोई कानून बना देती है, तो उसके बाद भी जो है उसका संवैधानिक जाँच यदि कानून संविधान के विपरीत पाया जाए तो असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, तो इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, ठीक। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी अमेरिका से ली गई है। जनहित याचिका, देखिए जनहित याचिका, याचिका का मतलब होता है केस करना, मुकदमा करना। तो जो मुकदमा करना, इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं मुकदमा करे, स्वयं अदालत जाए। अगर किसी नागरिक पर या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में मुकदमा दायर किया जा सकता है, जैसे आप कोई प्रताड़ित कर रहा है पता लगे, कोई किसी को धमकी दे रहा है, वह जो है न्यूज़ में या न्यूज़ रिपोर्टर या कहीं से भी देख के मुकदमा दायर किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है पीड़ित ही जाकर मुकदमा दायर करे। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, जब संविधान का उल्लंघन कर देता है, देशद्रोह, रिश्वत लेना, और दोनों सदनों का 1/4 सदस्य जो है, नहीं, जिस सदन से यह प्रक्रिया शुरू होगी उसके 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होगा, तभी यह सदन से, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया पर विचार होगा, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी, और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है कि भैया हम महाभियोग लगाने वाले हैं। महाभियोग में एक सदन द्वारा सदन की कुल सदस्य के 2/3 बहुमत होने के बाद उसे विचार हेतु दूसरे सदन में भेजा जाता है, उस सदन में भी अगर 2/3 प्रस्ताव मान्य हो गया तो महाभियोग लग जाता है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का पदेन, सभापति का पद, महान्यायवादी का पद। अब महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार जो होता है वो महान्यायवादी होता है, तथा भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील जो होता है वो महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है, और नियुक्ति इसकी भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो दोस्तों मूल अधिकार जो होता है अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से, जनहित याचिका अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, और महान्यायवादी का पद भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अगला देखेंगे तो मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया। आपको पता है कि मूल कर्तव्य का कोई भी चर्चा हमारे संविधान में नहीं था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 करके 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 करके 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। अगला है राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52 के तहत
एक भारत का राष्ट्रपति होगा। इस पद को ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का मतलब है कि भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है। देश और सरकार दोनों का प्रमुख जो है राष्ट्रपति है। देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक राष्ट्रपति होता है। युद्ध शांति की घोषणा सभी प्रकार का आपातकाल लगाने व हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रासीना हिल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पद पर रह सकता है, इसकी कोई सीमा भारत में नहीं। राजेंद्र प्रसाद वैसे दो बार रहे हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला रही हैं और रामनाथ गोविंद 14वें राष्ट्रपति वर्तमान में हैं। ब्रिटेन के प्रमुख की तरह भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और संघ की वास्तविक शक्ति संघ मंत्रिमंडल में निहित होती है। उसके बाद अगला है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 और भाग 20 में वर्णित है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार को अनुच्छेद 19F से अनुच्छेद 300 में विधिक अधिकार बनाया गया। तो इस तरीके से संविधान संशोधन जो किया जाता है, समझ लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 61वां संविधान संशोधन किया गया तो 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदाता की उम्र कर दी गई। ये अफ्रीका से लिया गया है। पहला संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया, ठीक है। मूल अधिकार में कुछ परिवर्तन किया गया, तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ से ली गई। आपातकाल उपबंध, आपातकालीन उपबंध जो है भाग 18 में है, जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में आपातकालीन उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति को आपात की घोषणा करने की शक्ति है। जैसे युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, तो इस समय आप राष्ट्रपति आपात लगा देते, राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन लगा सकता है केंद्र के निर्देश का पालन न करने पर या सरकार न चला पाने पर। अनुच्छेद 360 के वित्तीय आपात लगा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के मेजी संविधान से लिया गया है। जो भी नियम कानून विधायिका द्वारा बनाया जा रहा है वह तभी मान्य होगा जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के मेजी संविधान से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रस्तावना की भाषा या समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। सूची के बारे में यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बताया गया है। प्रस्तावना प्रभावित है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना में जो भाषा लिए गए हैं, जैसे पंथ निरपेक्ष हो गया, समाजवाद हो गया, ये सब जो हो गया ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची का मतलब केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची का मतलब केवल राज्य कानून बना सकता है, समवर्ती सूची का मतलब केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। वर्तमान समय में 100 विषय, 61 विषय और 47 विषय हैं। शिक्षा इम्पोर्टेंट है, समवर्ती सूची है। कृषि इम्पोर्टेंट है, राज्य सूची है। और यहाँ पर रक्षा, विदेश, युद्ध व संधि, नागरिकता, रेल, डाक, बैंक, हवाई अड्डा, टेलीफोन, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए विशेष मनोनय आयरलैंड से लिया गया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से लिया गया था। संविधान जो है ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान है और अमेरिका का संविधान संघात्मक संविधान है। भारत का संविधान संघात्मक है, लेकिन भारत वाला कनाडा मॉडल पे है, केंद्र अधिक और राज्य कम शक्तिशाली है, और यहाँ पे दोनों केंद्र व राज्य दोनों बराबर शक्तिशाली हैं। धन्यवाद।